अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में उत्सव का माहौल है। मध्य प्रदेश भी झूम रहा है। इस बीच प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए कई राजाओं और लोगों ने बलिदान दिया, इसकी जानकारी युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजा रणवीर सिंह 10,000 सेना के साथ राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाबर की विशाल सेना के कारण वो सारे मारे गए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को राम मंदिर का इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास है लंबा। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्म भूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ। मतलब राणा रणविजय सिंह से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान। तो राम मंदिर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि पाठ्यक्रम में जो कहानी शामिल हो उसमें सभी तथ्यों को रखा जाए, पाठ्यक्रम में बीजेपी आरएसएस का भी महिमा मंडन ना हो। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, स्वागत योग्य उनका विचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कैलाश वर्गी की जो मंशा दिखाई दे रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित किया जाए। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला उसमें वस्तु स्थिति पूरी बताई जाए, किस तरह राजीव गांधी जी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, किस तरह तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने शिलान्यास किया था विष्णु परिषद के साथ, किस तरह शंकराचार्य ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि धार्मिक जो रीति रिवाज उसके अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, सब चीजों की वास्तविकता बताते हुए इसका पूरा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के सीधी बात है, अगर पाठ्यक्रम में आप शामिल करते हो सत्यता जो है पूर्णता बतानी जानी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित करते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है इसको लेकर। उनका कहना है कि सिलेबस में राम मंदिर के आंदोलन के बारे में युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए, युवाओं को बलिदान की जानकारी होनी चाहिए। ये मंत्री ने कहा राम मंदिर का इतिहास पढ़ना चाहिए आज के युवा को। कांग्रेस ने सशर्त समर्थन भी दिया। पाठ्यक्रम में रखे जाए तथ्य, कांग्रेस ऐसा करती है। कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि बीजेपी और संघ का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए इसमें, यानी कि समर्थन तो कांग्रेस पार्टी ने दिया ही, लेकिन कहा कि बीजेपी और आरएसएस का महिमा मंडन इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं।